भोपाल में लगभग 3 घंटे तक चली भारतीय जनता पार्टी की बैठक संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव ने बयान जारी किए। उन्होंने बताया कि संगठन पर्व में बीजेपी ने एमपी में 1,60,00,000 लोगों की सदस्यता की है। 15 नवंबर तक और भी सदस्य बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्ष का निर्वाचन और समिति का गठन सभी 64,000 से ज्यादा बूथों पर होगा। वीडी शर्मा ने कहा कि समाज को गौशालाओं से जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय मोहन सरकार ने किया है। इसी दौरान विजयपुर में रामनिवास रावत के वीडियो को लेकर वीडी शर्मा ने कांग्रेस को फटकारते हुए कहा कि वो वीडियो 2018 का है और जो कहा गया वो कांग्रेस के विधायक होने के नाते कहा गया, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वे इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं और इसके पीछे उमंग सिंगार का हाथ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी विधायक और संसद तथा पदाधिकारी संगठन चुनाव के लिए बैठे हैं। बीजेपी का संगठन सबसे जीवंत संगठन है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल है। संगठन के कार्यक्रमों में सरकार की उपलब्धियों को भी जोड़ा जाएगा। गौ माता का अनुदान डबल करने की बात भी सीएम ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश का स्थापना दिवस भी धूमधाम से मनाया जाएगा और इसे 30 तारीख से लेकर 4 दिन तक मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि 15 नवंबर को धार जिले में जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। इसी के साथ सीएम ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये बात भी कही कि अयोध्या के बाद भगवान राम की आस्था का केंद्र चित्रकूट है, हम चित्रकूट का समुचित विकास करेंगे। मध्य प्रदेश के संगठन पर्व की कार्यशाला अभी संपन्न हुई है। कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अखिल भारतीय सह चुनाव अधिकारी और मध्य प्रदेश के हमारे नवनियुक्त चुनाव अधिकारी आदरणीय विवेक सहजवलकर जी, सभी लोग आज कार्यशाला में यहाँ पर उपस्थित होकर के सबने मार्गदर्शन किया है। आगामी आने वाले समय में संगठन का जो पर्व है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का अभियान देश के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, हमारे नेतृत्व के निर्देश पर आज 1,60,00,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। आगामी 30 तारीख तक और फिर 15 तारीख तक ये अभियान चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम देश के अंदर और इतिहास बनाकर, जो मध्य प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा है, इस भूमिका में कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के साथ हम काम कर रहे हैं। आगामी आने वाले समय में आज जो कार्यशाला हुई है उसमें सभी जिलों के हमारे संगठन पर्व के जो प्रभारी हैं, सभी जिलाध्यक्ष, सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं। आगामी आने वाले 11 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक बूथ स्तर के संगठन का पर्व हमारा हर बूथ पर, जो 64,871 बूथों पर हम इस पर्व को मनाएंगे और पर्व के साथ बूथ अध्यक्ष का निर्वाचन और बूथ अध्यक्ष के साथ बूथ समिति का गठन पन्ना प्रमुख तक, एक ऐतिहासिक काम जो पहले भारतीय जनता पार्टी करती आई है। डिजिटल बूथ हमने बनाए थे, फिर एक बार नए परिवेश के साथ, नए उत्साह और उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर संगठन का पर्व ऐतिहासिक होगा। सक्रिय सदस्यता का अभियान अभी चल रहा है और सक्रिय सदस्यता के अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बनाएगी, तो इसलिए आज ये संगठन पर्व की कार्यशाला थी कि हमें नीचे तक इस काम को, अभियान को कैसे लेना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बात के लिए बहुत हृदय से आभार करता हूँ। शुभंकर, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे नए नवनियुक्त निर्वाचन अधिकारी श्री विवेक सहजवलकर जी, माननीय भगवान दास जी, महामंत्री बहन अर्चना जी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक बुरहानपुर, हम सब मिलकर के आज यहाँ संगठन पर्व के आधार पर आगामी समय में होने वाली गतिविधियों को लेकर के पूरे प्रदेश के नेतृत्व के साथ बैठे, सभी विधायक बैठे, सांसद बैठे, हमारे सभी निर्वाचन जिले के और बाकी अलग अलग प्रकार के दायित्ववान लोगों के साथ, भविष्य में हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत संगठन है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि हमारे यहाँ जो एक संगठन की सिस्टम होता है,
के पहले सदस्यता, फिर सक्रिय सदस्यता, फिर बूथ का चुनाव, मंडल का, जिले का, ये जो सिस्टम है, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लंबी यात्रा कुशल संगठन के भरोसे से अदा की है। और यही हमारे लिए जब हम चुनाव में जाते हैं तो बड़ा एक आधार काम करता है कि जिसका संगठन मजबूत, वो निश्चित रूप से उसकी सरकार को बनाने में कोई नहीं रोक सकता। मैं आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में संगठन और सरकार का तालमेल देश के स्तर पर भी है और यहाँ हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष के साथ तालमेल करके लगातार सभी कामों में सरकार अपना काम करे। सरकार सबके साथ लेके चलेगी, लेकिन सरकार में बने मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, मूल रूप से वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी के कार्यक्रमों में बराबरी से हिस्सा ले। इस अवसर पर ये जरूर मैंने इतना जरूर निवेदन किया है कि सरकार के जनहितैषी कामों को लेकर के संगठन के हमारे सारे बंधु नीचे तक जाएंगे और इसी सिलसिले में नित नए कार्यक्रम भी जोड़ते जा रहे हैं। आगामी दीपावली का पर्व हमारे लिए भगवान राम का अयोध्या में लौटना, ये 17 लाख साल पुरानी बात है, खूब आनंद का विषय है, लेकिन सच्चे अर्थों में दीपावली तो गोवर्धन के साथ मनती है और गोवर्धन करते राम और कृष्ण दोनों स्मरण हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पशुपालन और ख़ास करके भारत की दुनिया में पहचान दूध और दही की नदियाँ बहती थी, ऐसे में हमारा समाज गाँव का नीचे से नीचे तक का भी इस गोवर्धन पूजा को बहुत आनंद से मनाता था। हमारी सरकार ने भी तय किया कि गौशालाओं में प्रति गौमाता अनुदान भी हमने डबल किया है, सरकारी स्तर पर भी गौशाला बहुत अच्छी बनाने जा रहे हैं, दूध उत्पादन को भी लगातार बढ़ावा दिलवाएंगे, लेकिन समाज में इन अच्छे त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। तो आजकल गोबर के धन को भी एक तरह से माना जा करके CNG गैस से लेकर के प्राकृतिक खाद तक बहुत सारे उत्पाद उसके द्वारा बनाए जाते हैं और इसीलिए गौमाता के पशुपालन के साथ उसको विशेष अभियान के रूप में जनता में स्वीकारता हो तो सरकार भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएगी। और ये इसी के साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक 4 दिन के अलग अलग उत्सव के नाते से इसको मना रहे हैं। और ख़ासकर इस बार गोवर्धन पूजा पे हमारे सभी शासकीय संस्थान को भी हमने राज्य सरकार के परामर्श से